रेड कलर बाल। ग्रीन कलर बाल। दो। अभी फाइव। अभी लाइक। हेलो इंजीनियर्स, तीसरे ऑफर शांति। तो आज आपके लाए हैं ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग सामने तो देख सकते हैं और साथ ही साथ पीछे भी देख सकते हैं। मतलब हमारे जो बाइक या कार के जो रिफ्लेक्टर होते हैं, मतलब जो ग्लास के जरिए हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं, वो सिस्टम मैंने बनाया है जो कि आप इसको लगा के अगर चलेंगे तो आप भी आसानी से पीछे की तरफ कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। तो ये जो डिवाइस है ये किस प्रकार से हमने बनाया है आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो इस प्रोजेक्ट को अगर बनाना है तो हम लोगों को सबसे पहले इस तरह का एक डिस्प्ले विथ कैमरा को लेना होगा। तो ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये एक्चुअली DF रोबोट का मेकिंग है। तो इसका नाम है हस्की लेंस। तो इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैमरा है और यहाँ पे बटन है और यहाँ पे मूविंग करने का एक जॉयस्टिक है, ठीक है। तो अभी दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक AI टेक्नोलॉजी है जो कि अगर किसी भी चीज़ को अगर सामने लाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा ये क्या है। ये अगर ह्यूमन का फेस होगा तो ह्यूमन का फेस भी ये डिटेक्ट करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट करके ये बोल देगा ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके जरिए हम लोग बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे हमने इनपुट देना है और साथ में होगा TX और RX, और RX और TX को लेके हम लोग बहुत सारी आर्डिनो के साथ कनेक्शन करके बना सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बहुत ही ईजी के तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो होगा इसका कैमरा को हम लोग खोल देंगे, खोल के जहाँ पे भी लगाएंगे और वायर का कनेक्शन करने पर यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं आपको इसको पावर दे के दिखाता हूँ पहले। तो अभी इस जैक को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ओनली फॉर पावर इसमें लगा दिया है। अभी स्विच को ऑन करेंगे तो अभी देखिए ऑन हो गया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हाथ लाएंगे तो देखिए हाथ को दिखाई दे रहा है, हाथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कुछ भी डिटेक्ट करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन लिखा रहा है, लेकिन हम लोग इसको ऑब्जेक्ट करके हम लोग डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्लाइडिंग करेंगे ऑब्जेक्ट, देखा आपने, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह। तो किसी भी जगह पे आप जो कि देखिए ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे लिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी चश्मा को यूज करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखा आपने। तो इसका नाम भी आप चेंज करके लिख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा। तो और भी है जैसे कि लाइन ट्रैकिंग, अगर कोई भी लाइन ट्रैक करना है तो ये लाइन ट्रैकिंग हो जाएगा। कलर रिकॉग्निशन, कौन सा कलर कौन कहाँ पे है सब कुछ आपको दिखाई देगा। जैसे कि ये कलर देखिए कलर को अलग से ये पकड़ लिया है, तो ये कलर रिकॉग्निशन भी आ जाएगा, कलर ID इसमें आ रहा है। तो इस तरह बहुत सारे इसमें और भी है टैग, मतलब कोई भी अगर टैग रिकॉग्निशन करना है, बारकोड वगैरह और जनरल सेटिंग। तो इसके ज़रिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो अभी चलिए इसके कैमरा को हम लोग खोलेंगे, खोलने के बाद पीछे की तरफ हम लोग फिट करके इसको बनाएंगे। We'll be right back.
अभी तो आपने देखा है किस प्रकार से हम लोग इसके जरिए सामने देख सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, मतलब फेस को ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग ट्रैक कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसके सामने कैमरा लगा हुआ है इसलिए हम लोग सामने देख सकते हैं, और इसी कैमरा को हम लोग खोलेंगे, खोलने के बाद मैन्युअली वायरिंग करेंगे, करने के बाद उसी वायरिंग को हम लोग कैमरा को पीछे लगा देंगे और वायरिंग को हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, तो आसानी से हम लोग पीछे की तरफ जो भी है वो देख सकते हैं। और इसके साथ हम लोग और भी एक सर्किट लगा के हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, मतलब पीछे की तरफ अगर कोई आएगा तो आपके कानों में जो स्पीकर लगाएंगे तो उसमें साउंड आ जाएगा ये कोई आया है, तो इसी तरह हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको कैमरा को हम लोग पीछे की तरफ लगा के हम लोग सेट करके देखते हैं। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके सामने जो कैमरा था उसको मैंने खोल के यहाँ से केबल लगा के मैंने पीछे की तरफ कर दिया है, ठीक है। तो अगर इसमें पावर देंगे, इस वायर पे पावर देंगे तो पावर को मैं अलग से दे दूंगा, आप चाहे तो बैटरी भी फिट कर सकते हैं अलग से, यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी आप लगा के आप कर सकते हैं। तो इसको लगा के अगर पहनेंगे तो पीछे की तरफ जो भी होगा आप सामने देख पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगा, अभी पीछे की तरफ जो भी होगा मैं इसको बोल सकता हूँ सामने देख कर। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया है, तो सामने की तरफ अगर देखेंगे तो कैमरा नहीं है, कैमरा को मैंने वायर के जरिए इस पर मैंने पीछे की तरफ फिट कर दिया है। तो अभी इस पर पावर देंगे, देने के बाद पीछे की तरफ जो भी होगा मुझे दिखाई देगा। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कौशिक को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, तो वो जो भी बोलेगा मैं सामने देख के बोल सकता हूँ क्या क्या ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी टेस्ट करते हैं, तो अभी ऑन हो गया है, तो कौशिक जो भी दिखाएगा हाथ से जो भी दिखाएगा वो मैं बोल सकता हूँ, तो कौशिक बोलो। तो अभी वो दो दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी फिर से और एक, तो अभी तीन दिखा रहा है, तो अभी फिर से बोलो, अभी पांच दिखा रहा है। तो कोई दूसरा सिग्नल दो इसमें मैं जो बोलूँगा, अभी 10 दिखा रहा है, ठीक है। तो सब कुछ इसमें आ रहा है, अभी लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, वो लाइक कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो डिवाइस है ये आप आसानी से घर पे बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक कैमरा हम लोग लगा सकते हैं, वो भी पीछे की तरफ हम लोग देख सकते हैं इसी कैमरा की मदद से। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।